नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। पूरे देश में एक विधानसभा सीट ने कोहराम मचाया हुआ है, वो भी वो विधानसभा सीट जो श्री राम के अयोध्या से जुड़ी हुई है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर चुनाव नहीं कराने का चुनाव आयोग का फैसला कई सारे सवालों के घेरे में सत्तारूढ़ दल और सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम कर रहा है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष के बड़े चेहरे के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बड़ा तंज कसा है। सवाल लाजमी है, वाजिब है, इस मायने में कि वन नेशन वन इलेक्शन की बड़ी बड़ी बातें लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री ने भी की, तो इस देश के कैबिनेट मंत्रियों से लेकर सत्तारूढ़ दल ने भी पुरजोर सिफारिश और पैरवी की। लेकिन आज पूरा देश इस बात पर संशय में है, इस बात पर सोच रहा है, सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि जिस श्रीराम के नाम पर बीजेपी की राजनीति आज 2 से और तकरीबन 12 साल होने वाले 11वें साल में चल रहे हैं। बीजेपी नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, श्री राम मंदिर के नाम पर जिस सियासत के दम पे बीजेपी ने अपनी पार्टी को आगे बढ़ाया, आखिर उस मिल्कीपुर में, उस अयोध्या में चुनाव करवाने से पार्टी क्यों हिचक रही है, क्यों समय लेना चाहती है, क्या वजह है? सुनते हैं हमारे खास मेहमानों के साथ, चर्चा करते हैं, विषय की गंभीरता को समझते हैं और मिल्कीपुर के लोगों के जहन में क्या चल रहा है ये भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन सब सवालों के जवाब उत्तरकाल में हम ढूंढें, उससे पहले आपको सुनाते हैं अखिलेश यादव क्या बोल रहे हैं। उनके अपने सर्वे में मिल्कीपुर का चुनाव, उनके अपने सर्वे में वो हार रहे थे। बीजेपी और उनके साथियों का जो इंटरनल सर्वे होता है उसमें वो हार रहे थे, इसीलिए उन्होंने पहले बीएलओ बदले, जिसमें कि पिछड़े पीडीए परिवार के सब बीएलओ हटा दिए गए, पीडीए परिवार के अधिकारी हटा दिए गए। उसके बाद फिर उन्होंने इंटरनल सर्वे कराया। मुख्यमंत्री जी कई बार गए, प्रशासन के लोगों को बुला करके राय मशवरा किया, इंटेलिजेंस रिपोर्ट ली। जब उन्हें ये पता लग गया कि वो चुनाव हार रहे हैं, इतने खेल खेलने के बाद, बीएलओ हटाने के बाद अधिकारी एक भी नहीं छोड़ा पीड़ित परिवार का। मैं अपने साथियों से कहूंगा, जो मैं कैमरे गिर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 कैमरे से ज्यादा हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको भी पता होगा कि सब बीएलओ हटा दिए। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य में 9 सीटों पर चुनाव घोषित हुआ है, सभी 9 के 9 भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मिल्कीपुर में भी शीघ्र ही चुनाव घोषित हो। आप इंतजार करिए, निर्वाचन आयोग पर जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, इन पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना विपक्ष का, कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का पुराना सगल रहा है और भारत की व्यवस्था के लिए ये अच्छी बात नहीं है। लोकतांत्रिक संस्थाओं को हम सबको सम्मान करना चाहिए। निर्वाचन आयोग शीघ्र ही वहाँ भी घोषणा करेगा। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने निर्वाचन आयोग से मिलकर के ये दरख्वास्त की है और शीघ्र ही चुनाव वहाँ भी होगा। हमारे साथ दीपक सोनकर हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, चंचल यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, सुधा मिश्रा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और नावेद शिकोजी वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई एम श्योर आप सब ने भी अखिलेश यादव का और बीजेपी का ये बयान सुना है, जिसमें मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर यूपी में क्यों गहराई है सियासत, इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश है। सवाल ये है कि आखिर कब होगा मिल्कीपुर में उपचुनाव? देर से किसको फायदा, किसको नुकसान? कब होगा मिल्कीपुर में उपचुनाव, क्योंकि तारीख का अभी है इंतजार। अखिलेश यादव ने क्यों कहा है कि मिल्कीपुर में बीजेपी डर गई है? बीएलओ तक को हटाने की बात यहां पर अखिलेश यादव कर रहे हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर यूपी में सियासत जो गरमाई है, उसमें अखिलेश यादव कैमरा की गिनती भी कर रहे हैं कि कितने कैमरा यहाँ हैं और कितने दिखाने वाले हैं, ये उनको शायद कहीं शक है। तो दीपक सोनकर जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। दीपक जी, क्या चल रहा है, क्यों इतनी पार्टी की फजीहत हो रही है, सत्तारूढ़ दल की, सत्ता की भी कहीं ना कहीं, क्योंकि
चुनाव आयोग स्वतंत्र निकाय है लेकिन सरकार से अलग तो नहीं है। देखिए डॉक्टर मीना जी, सरकार की फजीहत और सरकार का सम्मान प्रदेश की जनता के हाथ में, और प्रदेश की जनता निश्चित तौर पर 2014 से भारतीय जनता पार्टी का सम्मान और भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद देने का काम कर रही है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद देने का काम कर रही है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आशीर्वाद देने का काम कर रही है। जिस तरीके से 10 सीटों पर जो उपचुनाव होना है उस पर 9 सीटों का उपचुनाव की तारीख का ऐलान किया है, मगर तारीखों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की समिति और चुनाव आयोग की जो कमेटी है उसने गठन किया। और जो मिल्कीपुर विधानसभा की बात आपने करी है, उस मिल्कीपुर विधानसभा में जो न्यायालय में याचिका है, उस याचिका के कारण वहां की तारीख नहीं ऐलान हो पाई। मगर इस बात पर भी बात है कि वही याचिका जो हमारे पूर्व के विधायक है उन्होंने इस याचिका को दिया है, और वो जिसको भारतीय जनता पार्टी की कमेटी उसमें चुनाव आयोग से मिली, उसके बाद सारे चीजों को समाधान करने का काम किया और जल्द ही उस याचिका को वापस कराने के बाद मिल्कीपुर चुनाव चुनाव कराया जाएगा और चुनाव होगा। और किसकी हार होगी किसकी जीत होगी इसकी चिंता करने का काम अखिलेश यादव को नहीं करना चाहिए, इसकी चिंता जनता पे छोड़नी चाहिए। जनता लगातार इन विषयों को देख रही है, इन बातों को समझ रही है, और जब चुनाव होगा, और निश्चित तौर पर जब 9 सीटों पर भी चुनाव हो रहा है, तो एक सीट जिस पर न्यायालय की याचिका के कारण सीट होगी। दीपक जी, किसी भी सवाल के जब जवाब हम तय करते हैं या हम उसका उत्तर लिखते हैं तो हम उसमें कई सारे आधारों को देखते हैं, एक नैतिक आधार भी होता है। उस नैतिक आधार पर आपको क्या है कि 10 विधानसभा की सीट में एक मिल्कीपुर विधानसभा की सीट को छोड़ने का चुनाव आयोग का फैसला कितना उचित है? क्या डॉक्टर मीना जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, बहुत सारे बहुत वरिष्ठ लोग हैं, हमारे अमित जी भी हैं, बहन डॉक्टर सुधा जी भी साथ में जुड़े हैं, क्या कोई न्यायालय का अपमान कर सकता है? जब किसी चीज को याचिका ऑफ न्यायालय में है तो चुनाव आयोग ने उसी न्यायालय की दर्ज पर या उसी के विशेष पर उस सीट को रोकने का काम किया होगा। आप जब चुनाव उस जगह कराना है तो इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने और हमारे विधायक जी ने इस बात पर निर्णय लेने का काम किया, मैं अपनी याचिका वापस लेकर के दोबारा उसमें चुनाव कराएंगे। भाई हम तो न्यायालय का सम्मान करते हैं ना, मगर समस्या कहां? समस्या यहां है जहां लोग न्यायालय का अपमान करने का काम करते, चुनाव की संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उन पर सवाल खड़ा करते हैं, ईवीएम पर सवाल खड़ा करते हैं, संविधान पर सवाल खड़ा करते हैं, लोकतंत्र पर सवाल खड़ा करते हैं। ये जुमलेबाजी, सारी बातों को मिलाइए मत। बात सीधी सीधी एक है कि 10 सीट पर चुनाव, एक पर चुनाव नहीं, उस पर चुनाव नहीं, तो क्यों नहीं? चुनाव आयोग का फैसला क्यों है? आपने कहा बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मीटिंग की है, उनको चिट्ठी लिखी है, उनको प्रतिवेदन दिया है, लेकिन अखिलेश यादव का कहना है कि आपने वहां पर सर्वे कराया था और उन सर्वे में पार्टी को बार बार हार की रिपोर्ट सामने आई। डॉक्टर सुधा मिश्रा, वाकई में आपको लगता है कि मिल्कीपुर जी जी दीपक जी बोलिए। डॉक्टर मीना जी, अगर अखिलेश जी की ही बात मान ले, हमने सर्वे तो ये कराया कि 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, क्या अखिलेश जी ये बात मानेंगे? जो मिल्कीपुर की सर्वे का उनको जानकारी है, 9 सीटों की जानकारी नहीं है। ठीक है डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, बहुत बहुत आभार। मीना जी, आप लोगों को नमस्कार करती हूँ। और परसों जो हम लोग साथ में थे तब मैंने इस बात को पुरजोर तरीके से उठाया था कि वन नेशन वन इलेक्शन पे अपनी पीठ खुद थपथपाने वाले लोग आज उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, और उपचुनाव में हालत है, मतलब बाकी तो छोड़ दीजिए, उपचुनाव की हालत है। और आप जानती हैं मीना जी, ये जो भाजपा के लोग हैं अपने अनुकूल बनाने के लिए किसी बात को कैसे तोड़ा मरोड़ा अपने फिर्म बना जाता है, इनसे कोई सीखे? क्योंकि ये सोने को पीतल करना बहुत अच्छे जानते हैं, केदारनाथ में सबने देखा कि सोना पीतल कैसे बनता है, ये लोग कर सकते हैं और ये जनता बखूबी समझ रही है इस बात को। और इन्हीं जैसे लोगों के लिए आप जानती है ना, तुलसी बाबा ने लिखा हुआ था कि झूठा ही लेना झूठा ही देना, झूठा ही भोजन झूठ चबाना, सुबह से शुरू होता है और रात में सोने तक चलता है, लिखा हुआ है पहले से। और इस परिपाटी में जो ये लोग संलिप्त हैं,
मेरा सीधा सा प्रश्न है कि अगर कोई भी देश में इनकी सरकार के रहते हुए गलत कार्य कर रहा है, पिछले 11 साल से लोग देख रहे हैं, लेकिन ये लोग किसी को न तो अपराधी बता पाते हैं, न साबित कर पाते हैं, न उसको जेल भेजते हैं, अपराधियों के बारे में बात तो खूब करते हैं, लेकिन तो सभी अपराधी अगर ये सबको गलत ठहराते हैं मीना जी, तो सबसे पहली बात कि सब गलत, तो आप सही लोग उनको सजा दे दो, आप उनको साबित कर दो क्यों गलत है, लेकिन ये सब कहने वाले लोग हैं। एक हमारे यहाँ शंख कही जाती है, तो आप भी ये मानती हैं, आप भी ये मानती हैं कि अखिलेश यादव सही बोल रहे हैं? देखिए, अगर इन्हें जरा भी अंदेशा इस बात का होता कि ये जीत सकते हैं, तो न तो कोई बात होती, न कुछ होता, वो चुनाव दसों के दसों हो रहे होते, वो यहाँ इससे भी बुरा, जो अयोध्या में लोग लोसभा आ रहे हैं उससे भी बुरा हारने वाले हैं। ये डर इनको इस तरह से करने पे मजबूर कर रहा है। तो ये बात दीपक जी की कि 9 सीट पर बाकी पर जीत रहे हैं वो, ये पक्का है? नहीं, ये कहीं नहीं जीत रहे हैं, वहां बहुत बुरी तरह से हार रहे हैं, और ये अपनी अपने सरकार की इज्जत बचाने के लिए लोग एन प्रकार जो संस्थाओं का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से लोग जुमलों पे, झूठ पे राजनीति करते हैं। बहराइच में आपने देखा, पुलिस प्रशासन ने जो कहा और जो इनके लोग फैला रहे हैं, जमीन आसमान का अंतर है, तो ये लोग झूठ बोलने वाले लोग, इस समाज में उन्माद फैलाने वाले लोग, इस समाज की समरसता को तोड़ने वाले लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं इस समाज की समरसता को तोड़ने के लिए। नावेद जी, आपके पास आती हूँ मैं, क्योंकि आप ट्रैवल कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, चंचल यादव जी के पास उसके बाद जाऊंगी। नावेद जी, हमने इस पर 2 दिन पहले भी चर्चा की थी जब चुनाव आयोग ने इसकी घोषणा की थी, और सवाल ये उठ रहा है कि एक तरफ तो सिर्फ एक सीट का मुद्दा नहीं है, ये एक पूरी की पूरी नैरेटिव का मुद्दा है, ये एक पूरी की पूरी इमेज का मुद्दा है, साख का मुद्दा है, सरकार की प्रतिष्ठा का मुद्दा है, और कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर करने वाला है कि वाकई में इतनी स्थिति जो है वो कमजोर है, या वाकई में स्थिति इतनी, मतलब जिसको कहते हैं कि भयावह है, कि पार्टी एक सीट पर चुनाव नहीं कराने तक का फैसला ले ले, चुनाव आयोग को ऐसा करना पड़े। देखिए, मिल्कीपुर सीट जो है, और जिस तरीके से आयोग ने उस सीट को छोड़ के तमाम तारीखें दे दी हैं, ये समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन को एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है, और तमाम आरोप जो भारतीय जनता पार्टी पे लगते रहे हैं, जैसे आरोप नंबर 1, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करती है भाजपा सरकार, आरोप नंबर 2, दलितों को सम्मान नहीं मिलता है, उनको उच्च पदों पर बैठा नहीं देख सकती भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कमजोर हो गई है, उसको डर लगता है, ये 3-4 आरोप सही है या गलत है ये मैं नहीं कहूंगा, लेकिन विपक्ष जो आरोप उत्तर प्रदेश बीजेपी पे लगाता रहा है, खासतौर से ये कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का डाइपोल चल रहा है, उसका जनाधार कम हो रहा है, और वो डरी हुई है इस बात का प्रमाण के तौर पर समाजवादी पार्टी, और जैसा कि अखिलेश यादव जी की बाइट आपने दिखाई कि वो डरी हुई है, और उसके सर्वे में ये आ रहा है कि अयोध्या बहुत कमजोर हो गई है, वो अयोध्या जो प्राण हुआ करती थी भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो अयोध्या जिसने पूरे देश में भाजपा का जनाधार बढ़ा दिया, वो अयोध्या जिसके आंदोलन को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी ताकत के तौर पर उभरी इधर 25-30 साल के संघर्ष के बाद में, वो अयोध्या इतनी कमजोर हो गई है तो प्रदेश की क्या स्थिति होगी, ये विपक्ष कह रहा है, विपक्ष के नेता कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो कह रहे हैं। दूसरी बात ये कि आयोग ने उस सीट को छोड़ा, उसके पीछे कई टेक्निकल कारण हैं, याचिका की बात है, याचिका की प्रोसीडिंग क्या है, उस पर फैसला कुछ हुआ है क्या नहीं हुआ है, उस पर कुछ टिप्पणी हुई है क्या नहीं हुई है, देश भर में जाने कितने विधायक सांसदों के खिलाफ कितनी याचिकाएं पड़ी हुई है, क्या वो चुनाव कभी रुके क्या नहीं रुके, इस तरह के तमाम टेक्निकल सवाल सामने आ गए हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो पीडीए की धार को मजबूत कर सकती है, पीडीए की धार, पीडीए का जो कंसेप्ट है वो यही है कि पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को भारतीय जनता पार्टी दबाती है, उनको उभरने नहीं देती है, उनको हाशिए पर ला देती है, उनको उनकी हिस्सेदारी नहीं देती है। एक दलित समाज का एक विधायक हुआ करता था, जो विधायक
बाद में सांसद बन जाता है और उस सीट पर उनका बेटा लड़ने के लिए अपनी तैयारी कर रहा होता है, उस सीट को इग्नोर कर दिया गया। यानी कि समाजवादी पार्टी ये जाहिर करना चाहती है कि पहली चीज तो ये कि एक दलित जब विधायक बन गया था तो उसके ऊपर एक गलत आरोप लगा के याचिका डाली गई, यानी वो आरोप फिर गहरे हो जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी पुलिस का दुरुपयोग करती है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करती है, न्यायालय का भी दुरुपयोग करती है और इस तरह इस समाज को दबाने के लिए इस तरह की याचिकाएं डाल के दबाव बनाया जाता है, पुलिस पर दबाव बना के कार्रवाई की जाती है, मुकदमे लिखे जाते हैं, जेल में डाल दिया जाता है। और ये याचिका जब डाली गई और इस याचिका में ये आरोप लगाया कि उनके एफिडेविट की डेट एक्सपायर हो गई थी, इस तरह का जो टेक्निकल आरोप लगाया, उस याचिका को वापस लेने का जो इरादा पेश किया गया वो और भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरनाक हो गया। यानी आपने याचिका अगर डाली थी, आपको ये लग रहा था, आपके पास इस बात का प्रमाण था कि उन्होंने विधायकी का चुनाव लड़ने के लिए जो नामांकन किया था, जो एफिडेविट दी थी, उसकी जो एफिडेविट थी वो एक्सपायर थी, उसकी डेट यानी उसकी प्रोसेस गलत था, वो एक आरोप था, लेकिन उसको वापस लेना तो और भी गंभीर हो गया कि आपने बिना वजह बिना किसी झूठा वो आपने याचिका डाली थी, कोर्ट का दुरुपयोग कर रहे थे और उससे जोड़ा ये जाएगा कि दलित को सदन में नहीं देखना चाहती है भाजपा, दलित को किसी बड़ी कुर्सी पर नहीं देखना चाहती है और पीडीए को यही चाहिए है मुद्दा बनाने के लिए। मैं कतई ये नहीं कह रहा हूं कि ये सच है या झूठ है, लेकिन समाजवादी पार्टी को इतना मजबूत हथियार दे दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे याचिका डाली गई थी अब से कई वर्ष पहले, उस याचिका को वापस लेने का इरादा किया गया, चुनाव आयोग ने उस सीट को छोड़ दिया, उसको संज्ञान में लिया कि एक याचिका पड़ी हुई है। अब इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं तकनीकी तौर से और उसके रिजल्ट सामने भी आए जाएंगे कि याचिकाएं तो यहाँ भी पड़ी थी, वहां का चुनाव क्यों नहीं रोका गया। एक दलित समाज का अगर कोई बेटा विधायक बन जाता है फिर सांसद बन जाता है तो आखिर उससे इतना द्वेष भावना भाजपा की क्यों है, क्योंकि भाजपा के नेता ही याचिका भी डालते हैं, भाजपा के नेता ही याचिका वापस लेने की भी बात करते हैं, भाजपा सरकार का ही चुनाव आयोग उस सीट को छोड़ देता है। ये सारी बातें जो मुद्दे नहीं थे, यानी पीडीए पे धार देने का जो माहौल शायद नहीं बन पाता समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पास, कांग्रेस के हाथ में एक बड़ा हथियार मिल गया है और जिस तरह से मुकर होकर अखिलेश यादव ने अपनी बाइट दी है, बयान दिया है, अगर इसी तरीके से लोग उपचुनाव में उन्होंने बातें दोहराई और इसको पीडीए से पिछड़ों से दलितों से जोड़ा, अवधेश जी से जोड़ा, उनके बेटे से जोड़ा, दलित समाज से जोड़ा, तो वो अपना परसेप्शन बनाने में सफल हो सकते हैं कि साहब उत्तर प्रदेश में दलितों पिछड़ों के साथ में भारतीय जनता पार्टी अन्याय कर रही है। मैं फिर यही कह रहा हूँ कि ये बात सही है या गलत है मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन अखिलेश यादव जैसे बड़े नेता का आक्रामक होकर बयान देना इस बात के सबूत दे रहा है कि ये उपचुनाव जो है इसमें कहीं ना कहीं पीडीए चमक के सामने आएगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मुश्किल होता है अगर ये परसेप्शन तेजी से आगे बढ़ गया तो। जी जी, चंचल यादव जी, क्या लगता है आपको कि नावेद शिको जी जो बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने या सत्तारूढ़ सरकार ने या चुनाव आयोग ने बैठे बिठाए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को एक मुद्दा दे दिया, आपको क्या लगता है चंचल यादव जी कि बीजेपी जिसे राजनीति जिसमें अभी चाणक्य और तमाम जो राजनीति के रणनीतिकार और तमाम जो बड़ी बड़ी जो चुनावी संरचनाएं व्यू रचनाएं जो रचता है वो बीजेपी का राजनीतिक दल और जो मंथन और जो थिंक टैंक है, क्या वो इस बात को समझ नहीं पाएगा या समझ नहीं पाया होगा कि इसका ये इस तरह से असर होगा, परिणाम होगा और समाजवादी पार्टी के हाथ में हम एक बहुत बड़ा हथियार दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं माफी चाहता हूँ, थोड़ा लेट जुड़ पाया हूँ साथ में। एक बात जो है, नवेद जी ने कहा बहुत अच्छी बातें कही, लेकिन एक बात इन्होंने जो जिक्र किया कि बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया, आप सोचो बीजेपी के खिलाफ जनता में इतना जनाक्रोश है, अगर आप देखो जिन जिन मुद्दों की बात करते थे उन मुद्दों की इनके मुंह से कभी आप सुना भी नहीं होगा। दीपक भाई बैठे हैं, दीपक सोनकर जी, ये बेचारे हमारे दलित समाज से आते हैं, SC ST में आते हैं, और अगर कल ये खुदा न खास्ता विधायक बन जाए तो मुख्यमंत्री का सजातीय व्यक्ति अगर इनको पीट देगा तो 6-7 दिन लग जाएंगे इनको FIR कराने में। आप सोचो विधायक होकर के
मैंने जो कल भी आप परसों भी मैंने जिक्र किया था कि पिछड़े समाज का व्यक्ति जिसको एक छत्री समाज का मुख्यमंत्री का सजातीय व्यक्ति दौड़ा दौड़ा के पीटता है, पब्लिक प्लेस पे पीटता है, और 6 दिन लग गए विधायक को FIR कराने में, वो भी कहां कहां जाके रोए, चर्चा का विषय बना हुआ है। कहीं मुख्यमंत्री के सामने जाके रोए, कहीं प्रदेश अध्यक्ष सामने जाके रोए, मेरे ख्याल दिल्ली भी जाके रोए होंगे। अब सोचो जो विधायक अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता है, अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ सकता है, वो आप बताओ आम जनता की लड़ाई क्या लड़ेगा। इसीलिए PDA जरूरी है मैडम। हम लोग लड़ाई तो लड़ी रहे हैं PDA समाज की, बीजेपी के पीड़ित हैं। चंचल जी, आप PDA की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो आपके साथ हैं, आपको उम्मीद है, वो सारी बातें ठीक है। मिल्कीपुर में बीजेपी चुनाव हार रही है, लेकिन दीपक सोनकर जी का कहना है कि इसका मतलब 9 सीट पर तो बीजेपी जीत रही है क्या? सवाल पहला। दूसरा मेरा सवाल आपसे ये था चंचल जी, कि वाकई में बीजेपी की रणनीति इतनी कमजोर हो सकती है कि उन्हें सीधा सीधा दिख रहा हो कि समाजवादी पार्टी को एक मौका मिल जाएगा, एक हथियार मिल जाएगा, या फिर आपको लगता है कि बीजेपी इस बात को समझ नहीं पाई थी कि इसे समाजवादी पार्टी एक हथियार बबना लेगी और पूरे चुनाव में 9 सीट पर भी इसका असर पड़ेगा? देखिए मैडम, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ स्पष्ट तरीके से। आपको याद होगा 2024 के बाद से जब से बीजेपी हारी, केवल और केवल ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है, हिंदू मुसलमान को बांटने का, कहीं कहीं दुकानों के सामने ठेले खमचो वालों के सामने नेम प्लेट लगाने की बात करते हैं, कभी यादव मुसलमान की सदन में बात करते हैं, कभी जाति को जाति की बात कर, धर्म के धर्म की बात करते हैं। इनके मुंह से, मुख्यमंत्री जी के मुंह से आप विकास शब्द का नाम नहीं सुनते होंगे। अभी अगर हम देखें, मैंने जिक्र किया जो सरकार लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बड़ी बड़ी बातें किया करती थी, आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यह है कि कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पर आए दिन महिलाओं के साथ अत्याचार दुराचार ना हो रहे हैं। और अगर मुख्यमंत्री का सजातीय व्यक्ति है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी है, उसके लिए अलग कानून है। इसी देश ने देखा कि देश में जो हमारे देश को गौरव देने वाली बेटियां थी, ब्रजभूषण सरल सिंह के खिलाफ पास्को एक्ट का मुकदमा हुआ। मैडम, हर विषय में आप उस बात को नहीं डाल सकते हैं कि नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसलिए PDA मैडम, इसलिए PDA जरूरी है। और जनता ये जान रही है कि हमें हमारा पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जो है, दीपक सोनकर जी मैं आपके पास आ रही हूँ, PDA के साथ, PDA के सहारे या इस पूरे समीकरण के साथ जो है समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव में बड़ी मजबूती से उतरी हुई है और लोकसभा में जो परिणाम आए उसका निश्चित रूप से कॉन्फिडेंस भी पार्टी को ज्यादा है। लेकिन दीपक सोनकर जी, जो सवाल मैंने चंचल जी से किया था जिसका जवाब देने से वो बच रहे हैं शायद, क्या बीजेपी वाकई में रणनीतिक चूक कर बैठी है ये कि समाजवादी पार्टी को एक मौका दे दिया है, या ये सोची समझी नीति है कि समाजवादी पार्टी को इस मिल्कीपुर में उलझा दो और आप अपना चुनाव आगे लड़ते रहो? देखिए डॉक्टर मीना जी, समाजवादी पार्टी खुद ही उलझी हुई है, उसको क्या उलझाने की आवश्यकता पड़ेगी, वो खुद ही उसमें इतना उलझी हुई है। जो PDA की बात, जो चर्चा मैंने अभी सुनी, मैं सारी बातों को, सारे लोगों की बातों को सुना, उनका सबका जवाब दिया। आदरणीय बहन जी की भी बात मैंने सुनी, डॉक्टर सुधा मिश्रा जी की बड़ी बहन है, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूं। उन्होंने झूठ की एक कविता को पंक्तियां यहाँ सुनाई, वो पंक्तियां कहाँ चली गई जब कोई व्यक्ति कहता था कि जिस मशीन में मैं आलू डालूंगा और इधर से सोना निकालूंगा, वो पंक्तियां कहां चले गए जो हरियाणा की जलेबी की फैक्ट्री की बात करते थे? दीदी सुनो, दीदी बड़ी बहन हो आप मेरी, मैं बहुत सम्मान करता हूँ आपका, मैंने आपको सुना, आप मेरे भी सुन लो, अब मेरे को भी सुन लो। नहीं नहीं, और मैं, अरे बिल्कुल राहुल जी की कथन नहीं है, प्रधानमंत्री जी ने कहा था, राहुल जी ने कोट किया था, उसका मतलब आप राहुल जी के बात से मोदी जी को बता रहे हैं। झूठ क्या है? आपने 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 जो झूठ की पंक्ति सुनाई, ये झूठ की पंक्ति सुनाई, ये झूठ की पंक्ति सामने आ गई, दीदी झूठ की पंक्ति जो आपने सुनाई प्रदेश की जनता, देश की जनता जानती है कि झूठ की कविताएं कौन करता है, झूठ की बात कौन करता है। दूसरी बात फिर आपके पास आए, दूसरी बात हमारे हमारे आदरणीय बड़े भाई चंचल भाई की बात, हमारे वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय नवेद जी की बात बिल्कुल सेम बराबर और एक ही बात में, एक ही उस पर है, वो PDA पर। मैं चंचल भाई से ये पूछना चाहता हूँ, 2012 से 17 तक जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही,
तब आपको पिछड़ा समाज में एक जाति के अलावा कोई अन्य जाति याद नहीं आई। जब आपकी समाजवादी पार्टी की सरकार रही तो कितना दलित समाजों का हित आपने कर दिया, कितना दलित समाज को नेतृत्व देने का काम कर दिया। ये जिस दलित समाज की बात कर रहे हैं, 2015 के अंदर इटावा के अंदर दो दलित किसानों को ट्रैक्टर से कुचल के ब्लॉक प्रमुख समाजवादी पार्टी की उनकी हत्या कर दी गई, कोई मुकदमा कोई एफआईआर नहीं। बाबा साहब के पार्कों को तोड़वाने का काम समाजवादी पार्टी के सरकार में किया गया, बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़वाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में किया। यहां तक कि नहीं, उन गरीब दलितों की जमीनों को छीनने का काम समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया। और तो और डॉक्टर मीना जी, ये भी जानना पड़ेगा कि उन्हीं दलित समाज के प्रमोशन के आरक्षण पर रोक लगाने का काम भी समाजवादी पार्टी ने किया। आज चंचल भाई बता नहीं पाएंगे कि कितने दलित समाज को नेतृत्व देने का काम उस सरकार ने करने का कार्य किया हो। आप किस दलित समाज की बात कर रहे हैं? आपने मेरे ऊपर कमेंट करके कहा, मैं निश्चित तौर पर उस दलित वर्ग से आता हूँ और मैं उस दलित वर्ग पर अपने विश्वास करता हूँ, उस दलित समाज पर होने पर बड़ी जिम्मेदारी और बड़े गर्व से कहता हूँ। और मैं इस बात को भी गर्व से कहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी है जो मुझ जैसे एक गरीब कार्यकर्ता को, मुझ जैसे इस गरीब कार्यकर्ता को आपसे चर्चा करने के लिए आपके सामने बैठाने का काम करती है। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये दलितों की पार्टी है, ये पीडीए की बात है। चंचल जी मैं आऊंगी आपके पास, मैं 10 सेकंड का जवाब दूं, 10 सेकंड का कट्टू बोल जाऊं। सुधा मिश्रा के बाद चंचल जी प्लीज बीच में नहीं बोले। डॉक्टर सुधा प्लीज, आप तो इतनी समझदार प्रवक्ता है, उनको पूरी बात करने दीजिए अपनी, उसके बाद आप अपनी बात बोलिए, ज्यादा अच्छा लगेगा। सवाल ये डॉक्टर सुधा कि ये जो मिर्जीपुर के चुनाव की घोषणा जो इसने जो 9 सीट है, इनपे किसको फायदा और किसको नुकसान होगा? आपको साफ साफ क्या नजर आ रहा है? क्या इससे सत्तारूढ़ दल 9 सीट पर फायदा ले पाएगी, या फिर समाजवादी पार्टी जितनी आक्रामक है वो इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान दे जाएगी? जी डॉक्टर मीना जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बार आपके दर्शकों के माध्यम से आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि लोग जो झूठ का अभी तक लेके चल रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी का कथन था, राहुल जी ने कोट किया था, इन लोगों ने सोशल मीडिया पे उसको जिस तरह चलाया, मेरे पास प्रधानमंत्री जी का पूरा वो बयान है, आप कहें तो मैं चला सकती हूँ। कम से कम इन लोगों को ये मालूम चलना चाहिए, भाजपा के प्रवक्ताओं को, कि ये बयान मोदी जी का था, राहुल जी ने कोट किया था। अब कम से कम इन लोग दर्शकों के सामने शर्मिंदगी से बचे, मेरा सम्मान करते हैं तो और सम्मान करने लगे कम से कम ये जानते हुए। दूसरी बात, जब भी ये लोग झूठ बोलते हो हमें बोलना पड़ता है, क्योंकि टोका नहीं आता इनको, ये आज भी वही परिस्थिति क्रिएट कर रहे हैं। हमारे नेता के बारे में झूठ बोलेंगे तो हमें टोकना पड़ेगा, वहां पे हमें बोलना पड़ता है। अब आपकी बात का उत्तर देती हूँ, आपने कहा किसको, एक्चुअल में दिक्कत क्या है मीना जी की, पिछले 10 सालों से जब इनकी हम बात सुनते हैं, जब मतलब ये काम पे नहीं होते हैं, सरकार के कर्तव्यों की बात अगर आप इनसे पूछ लीजिए कि सरकार के कर्तव्य क्या है संविधान में जो उल्लिखित है, तो उसकी बात ही नहीं करेंगे। ये बताते हैं क्या हुआ था, ये क्या कर रहे हैं, इसमें कोई बात नहीं। तो जनता जो आपसे इनसे मांग रही है उपचुनाव में कि जो आपने पिछले 7 साल में किया नहीं किया उसका उत्तर, तो ये जानते हैं कि 9 सीटों पे तो हम एन केन प्रकार अपनी जीत सुनिश्चित करा लेंगे। एक जगह पे जहां पे इनकी चालाकियां नहीं चलने वाली है, वहां पे इन्होंने कैसे करके, क्योंकि आप भी जानती है मीना जी कि जिस देश का प्रधानमंत्री 1 महीने पहले सारे अपने नेताओं को बैठा के वन नेशन वन इलेक्शन पे पूरे देश में महंगाई कम होगी, ये कम होगा, वो कम होगा, ये तो हो गई निश्चित रूप से, ये बहुत बड़ी विफलता है, इसमें कहीं किसी को कोई संशय नहीं है, ये मोदी सरकार की और उनकी मशीनरी की बहुत बड़ी विफलता है। लेकिन सवाल ये है कि इस एक फैसले का, क्योंकि कोई भी फैसला राजनीतिक नफे नुकसान के लिए करते हैं ये लोग, मतलब कोई भी जो सत्ता में होता है निश्चित रूप से सत्ता का उपयोग उसी तरह से करना चाहता है, इतिहास गवाह रहा है इस बात का। सवाल ये है कि इसका फायदा या नुकसान बीजेपी को कितना और समाजवादी पार्टी और आपके गठबंधन को कितना, आप इसको देखती है आंकती है तो क्या समझ में आता है आपको? मीना जी जिस चलांकी से इन्होंने अपने फायदे के लिए करने की कोशिश की, ये दाव इनका उल्टा पड़ गया। इसके पहले भी इनके बहुत से सारी चीजें ऐसी आई थी जिसको लगा कि इनको फायदा होगा, लेकिन यकीन मानिए इनका ये फैसला कहीं ना कहीं इनके चरित्र को दिखाता है। इनका जो एक छुपा हुआ चेहरा था जिसको ये बार बार कर रहे कि नहीं हम बेमाने नहीं करते, हम ये नहीं करते, वो दिख गया, तो जनता के सामने इनका असली चेहरा उजागर हुआ है। और इसमें कहीं ना कहीं फायदा हमारा ही है, हम जिस जनता को जिस असली चेहरे को दिखाने की बात करते हैं, उस सच्चाई को बार बार उठाने की बात करते हैं, वो इन्होंने खुद दिखा दिया है। और चुनाव आयोग के मिलीभगत के साथ
क्योंकि मैं 100% कहती हूँ कि अगर चुनाव आयोग ने कोई सफाई दी होती, चुनाव आयोग ने कोई वजह बताई होती, तो शायद लगता कि नहीं चुनाव आयोग का अपना फैसला है। लेकिन बिना कुछ कहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 सीटों की बात करना, मिल्कीपुर का बात न होना, दिखाता है कि कहीं ना कहीं ये जो चाहते थे इन्होंने किया तो, लेकिन फायदा जनता समझ चुकी है तो इसका फायदा तो नहीं ले पाएंगे जनता स्पष्टता के साथ, क्योंकि ये हमेशा चुनाव का प्रयोग अपनी जीत में करना चाहते हैं, लेकिन फायदा नहीं होगा इसका। जी चंचल यादव जी, आपका फायदा होगा, कांग्रेस को फायदा होगा, सुधा मिश्रा को लगता है कि आप इसका सीधा सीधा जनता के बीच मैसेज दे पाएंगे, तो कितना फायदा आपको इसमें दिख रहा है और ये किस तरह से आप वोट में कन्वर्ट करेंगे अपने पक्ष में? देखिए सबसे पहले तो मैं दीपक भाई का जवाब दूंगा, क्योंकि कई सारे झूठ बोला इन्होंने, जैसे एक तो झूठ का पर्दाफाश। दीपक भाई का देंगे आप, ये बढ़िया। नहीं नहीं, मैं आपको, मैं आपका भी जवाब दे रहा हूं मैडम, प्लीज सुनिए ना, बताऊं दूं। देखिए इन्होंने झूठ बोले कई सारे, अभी आपको याद होगा मिर्जापुर में एक दलित प्रधान कुर्सी पे बैठ गया ठाकुर साहब के सामने, उसको मारा पीटा बेइज्जत करके छोड़ दिया और FIR भी लिखी गई। दूसरी घटना मिर्जापुर के बगहा गांव में एक दलित परिवार के बेटे का बकरा चला गया, सुनना दीपक भाई, बकरा चला गया, उसका सर काट करके जमीन में गाड़ दिया, क्या कार्रवाई, बुलडोजर नहीं चला, नहीं चल पाएगा वहां पे। दूसरी बात, आपने जो सवाल किया, मैं आपको बता दूं कि देखिए बीजेपी जो हिंदुत्व का एजेंडा लेके जनता के बीच में जा रही थी वो पूरी तरह से पिट चुका है, और जनता पूरी तरीके से आज के समय में अपने रोजगार की बात कर रही है, शिक्षा चिकित्सा बिजली पानी की बात कर रही है, जो हमारे प्रमुख मुद्दे हैं। आज ऐसा कौन सा परिवार नहीं है जो शिक्षा को लेकर परेशान नहीं है, चिकित्सा को लेकर परेशान नहीं है। आप चले जाओ अस्पतालों के आसपास चले जाओ, इतने बद इंतजामी है, और हमारा जो बेचारा वो जो एम्बुलेंस का चालक है वो ऑलरेडी डिप्टी CM साहब के घर के सामने धरने पे बैठा हुआ है, लेकिन ये बट बूट बेल्ट की सरकार केवल उन्हें रौदने का काम कर रही है और उनके साथ धोखा देने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, और बता दें, और वो जान रहे थे कि अगर मिल्कीपुर का भी साथ में चुनाव हो जाएगा तो ये भी चुनाव हम बुरी तरह हार जाएंगे। वो एक षड्यंत्र करना चाहते हैं कि 9 सीटों के चुनाव के बाद फिर मिल्कीपुर में पूरा शासन प्रशासन लगा करके हम चुनाव एनकेन प्रकरण जीतेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ दीपक भाई, सुन लीजिए, मतलब चंचल जी, इसका मतलब पार्टी को कॉन्फिडेंस है बीजेपी को कि 9 सीट पर वो निकाल रहे हैं, उसके बाद 10वीं निकालेंगे अकेले? नहीं नहीं, 9 हम लोग जीत रहे हैं, 10वीं वो सोच रहे हैं कि मिल्कीपुर हारेंगे पूरे सर, जो जो हिंदुत्व का इनका एजेंडा है वो और पूरा का पूरा जो इनके ऊपर कलंक लग जाएगा, कलंकित हो जाएंगे ये, क्योंकि अयोध्या से ही इनकी जो है हिंदुत्व का एजेंडा विफल हो गया है, फेल हो गया है, कोई सुन नहीं रहा है, ये तो आप नहीं नहीं वो मैडम यही तो चाह रहे हैं, ये वही चाह रहे हैं कि मिल्कीपुर अगर जो है साथ में अगर हो जाएगा तो 10 सीटें हार जाएंगे हम, और 9 सीटें तो हम लोग जीत ही रहे हैं, 10वीं सीट पे ये चाल है षड्यंत्र के तहत, कम से कम देश ने बता सके कि हम अयोध्या बचा लिए, अयोध्या बचा लिया हमने, जिसका ढिढोरा पूरे दुनिया में पीटा। और सुनिए, इतने नहीं, अयोध्या में इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार इन लोगों ने किए हैं, और वहां की जनता के जो घाव लगे भी मरहम उस पर नहीं लग पाया, और वहां की जनता इंतजार कर रही है। आपने देखा होगा मीना जी किस तरीके से मोहित खान के खिलाफ, सुनिए, मोहित खान के खिलाफ किस तरीके से भाजपाइयों ने षड्यंत्र के तहत एक बुजुर्ग आदमी को फंसाने का काम किया, अंत में DNA की रिपोर्ट भी आ गई। यहाँ बैठे हुए हैं चंचल यादव जी, डॉक्टर सुधा मिश्रा, दीपक सोनकर जी, आप लोग युवा पीढ़ी हैं, आप लोग राजस्थान और देश और उत्तर प्रदेश और बिहार किसी भी राज्य को देखें, हम तो हर प्रदेश की राजनीति के आप लोग वो चेहरे हैं जो कल के नेता होंगे, आज आप बनने की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग भी उसी दकियानुसी सोच को आगे बढ़ाते हैं और एक एक करके जो नाम सुनाते हैं गिनाते हैं और बार बार उनको पॉइंट आउट करते हैं, आप लोगों को अफसोस नहीं होता दीपक सोनकर जी कि आप ये इस तरह की राजनीति का शिकार बन रहे हैं? नहीं देखिए, देखिए मीना जी, अच्छा आपने मिस्टर सवाल किया है, दीपक जी से पूछा मैंने। जी जी जी, देखिए घटियानुसी राजनीति किसको कहते हैं ये चर्चा में हम सब लोगों ने सुना, और ये बार बार हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, धर्म के वोट बैंक की बात हमारे चंचल भाई कर रहे हैं, आपके विधायक जी क्या नारा लगाते हैं कि धर्म का प्रकलाप बढ़ रहा है, मुस्लिमों की संख्या बढ़ रही है, अब एक तरफा होगा, क्या क्या कौन सा संदेश देना चाहते हैं, संतों का अपमान कौन करता है, हिंदुत्व का अपमान कौन करता है, सदन में खड़े होकर कोई हिंदुओं को अहिंसक कौन बताता है, ये कौन से धर्म की राजनीति है, ये जाति धर्म की राजनीति करने का काम हमेशा से समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लोगों ने लगातार करने का कार्य किया है, भारतीय जनता पार्टी ने तो हमेशा से सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास
हमने किसी योजना में ये तो नहीं कहा ये हिंदू इसको नहीं मिलेगा, ये मुस्लिम है इसको योजना नहीं मिलेगी, या ये इस जाति का इसको योजना नहीं मिलेगी। इन्होंने बांटने का काम किया। जब नेपाल की भर्ती हुई तो उसमें यादवों की संख्या ज्यादा दिखाई दी। भाजपाइयों को झूठ बोलने की जिम्मेदारी रहती है, मुझे पता है। आपका प्रधानमंत्री, सुनो, प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर झूठ बोलते हैं, मुख्यमंत्री सदन में झूठ बोलते हैं, जाति विचक्षण की बात करते हैं। अब नहीं चलने वाला है, मीना जी इनसे पूछिए, अभी तक मुख्यमंत्री जी सदन में जवाब नहीं दे पाए, 86 में 56 एडीएम कैसे हो गए थे, नहीं दे पाए। झूठ बोलने का काम करते हैं लोग, बदलने का काम करते हैं लोग, काम करते हैं लोग। अरे जनता क्या खंडन कर रही है, 2024 तो सड़क पर खा चुकी है और जनता इंतजार कर रही है, इस मुगाल से मत रहना। दीपक जी मेरा सवाल ये है, मिल्कीपुर का चुनाव कब होगा? देखिए याचिका को लेकर के चुनाव आयोग ये नहीं बता पाएंगे, डेट नहीं घोषित करी निश्चित तौर पर, और जब उसका चुनाव याचिका का समाधान होगा उस पर न्यायालय हो गया समाधान उसकी तारीख करेगा। चंचल यादव जी आप बताइए, होना और 9 सीटों की जीत का निर्णय चंचल भाई ने और सुधा जी ने कर दी। दीपक जी 9 सीटों का जीत तो भारतीय जनता पार्टी को चंचल जी ने और सुधा जी ने कर दिया। अरे घबराओ नहीं, कभी रिजल्ट आएगा देखना। अरे घबराओ आप नहीं। चंचल यादव जी कब होना चाहिए चुनाव? चुनाव तो मैडम इसी के साथ होना चाहिए था, क्योंकि सभी लोगों ने एक साथ तकरीबन एक दो दिन के आगे पीछे सब लोगों ने रिजाइन किया था, और 6 महीने के अंदर में किसी भी सीट को खाली होने के 6 महीने के अंदर चुनाव कराना निश्चित होना चाहिए, और ये 6 महीने की सीमा भी पार हो रही है, और ये बीजेपी के लोग कहां संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास करते हैं क्या? आप मुझे बताइए मैडम, इनका विश्वास संवैधानिक संस्थाओं में है ही नहीं है। ये तो वो लोग केवल पिछले दरवाजे से केवल गणित करके जीतना चाहते हैं। मिल्कीपुर में चुनाव झूठ बोलने आपने कहा साथ ही होना चाहिए, झूठ बोलने के लिए तो आपके अगले मुख्यमंत्री जी तो क्या क्या झूठ बोलते हैं जानते हो आप। डॉक्टर सुधा मिश्रा कब होना चाहिए मिल्कीपुर में चुनाव? मीना जी चुनाव तो साथ में होने चाहिए थे, लेकिन चूंकि अब सरकार के हाथ में, चुनाव आयोग के हाथ में, नहीं मैंने पूछा होने कब चाहिए, अब ये हमारे हाथ में तो नहीं है ना मीना जी, ये चुनाव आयोग और सरकार की साठगांठ से होगा, हमारे केंद्र से नहीं होगा। विपक्ष मांग करता है ना चुनाव आयोग, हम लोग तो तुरंत की मांग कर रहे हैं, विपक्ष तो मांग कर रहा है साथ में कराने की, हम साथ में कराने की बात कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं साथ में कराया जाए, हम तो कह ही रहे हैं, लेकिन दिक्कत इसी मैडम बीजेपी दहशत में है, बाबा डर गए हैं, उनको डर लग रहा है कि मिल्की कब डरा कौन है, ये तो ट्विटर पर दिखा, डर गए हैं मुख्यमंत्री जी दहशत में है सुनकर जी, इसीलिए चुनाव नहीं कराना चाहते हैं, लेकिन याद रखना मिल्कीपुर की जनता कराना चाहती है आने वाले समय में। अरे मिल्कीपुर 9 सीटों की जीत तो आपने दे दी, 10 सीटों पे समाजवादी पार्टी का गठबंधन जीतने जा रहा है, मुख्यमंत्री जी प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुधा मिश्रा, दीपक सोनकर, चंचल, प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं कर पा रहे भाई, शासन को बनाए रखिए, हमेशा हमेशा की एक ही बात है, बीच में बोलने की आदत, अच्छा प्रवक्ता वही होता है जो डिबेट की मर्यादा को समझे, अपने सवाल का सीधा जवाब दे। कुल मिलाकर मिल्कीपुर पर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि जहां एक तरफ बीजेपी ने जिस सोच समझ के साथ इस सीट को रखा है और उस पर चुनाव बाद में करवाने का फैसला लिया है, वो सोच और समझ भले ही कुछ भी हो, लेकिन आज की तारीख में समाजवादी पार्टी इसे बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। इस मुद्दे का बाकी 9 सीट पर कितना असर डाल पाएगी विपक्ष और सत्तारूढ़ दल इस पूरे नैरेटिव के साथ किस रणनीति पर आगे बढ़ेगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन कुल मिलाकर 10 सीट पर अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों से कहीं ज्यादा बड़ा मुद्दा बन गया है एक सीट जिस पर चुनाव नहीं हो रहा है। न्यूज 24 पर आज मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।